ये बताइए, नाउ टेल मी क्लास 8, सी हियर, सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट एंड ओनली कॉपी एंड पेंसिल या और पेन इन योर हैंड्स, प्लेस एवरीथिंग अदर थिंग्स इन योर बैग्स, एक कॉपी और एक पेन। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आर यू क्लियर अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यस और नो, बोलो जल्दी से एवरीबडी, आवाज तो आ सकती है मेरे पास, बोलो जल्दी से, 8A बोलो, जरा देखें आपकी आवाज आ रही है कि नहीं, ऑन करो माइक। मम्मी यस चलिए तो फ्रैक्शनल, सब अपने माइक्स ऑन करके मुझे यस नो में बताइए, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर है? क्या आपको पता चल रहा है भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं? हम सिंपल डिस्टिलेशन क्यों नहीं कर लेते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? यस, 8G में से वन स्टूडेंट हैज रेज्ड हैंड, यस कम फॉरवर्ड एंड देन टेल। मैम, बिकॉज वी कैन सेपरेट द सॉल्यूशन विच हैव डिफरेंस ऑफ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स. वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है, सो वी कैन सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन, वी कैन सेपरेट वन और टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग, राइट, एंड दोज कॉम्पोनेंट शुड हैव अ वाइड डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस विच हैव अ डिफरेंस ऑफ वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट्स, 25 डिग्री से कम जिनमें डिफरेंस हो तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, इज इट ओके? तो अब मुझे एक चीज बताइए कि इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आई विल आस्क, राइट, बनित, बनित 8A, बनित इज देयर, बनित आ जाओ बेटा, बेटा यू टेल मी कि इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच कॉम्पोनेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटेड, विच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और विच हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट? लो बॉइलिंग पॉइंट. लो बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, बैठो बेटा, विच हैव, विच फ्रैक्शन इज फर्स्ट सेपरेटेड, विच इज लो बॉइलिंग पॉइंट। और मैम ने आपको, अंजू मैम ने जो आपको लास्ट में बताया था, ऐसा नहीं है कि जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट था वही इवेपोरेट हुआ, बाकी की भी कुछ चीजें जो है वो इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती है, बट जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो वो थोड़े से उसके वेपर्स बनेंगे और फिर कूल डाउन होके फिर नीचे आ जाए, इज इट राइट? और जिसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो इवेपोरेट होके कंडेंसर में कंडेंस होकर नीचे आ जाए, इज इट राइट? चलिए अब हमने क्वेश्चंस इसके बारे में करने हैं जल्दी से, है ना, जैसे जैसे स्लाइड्स आती रहती है क्वेश्चंस आप लिखते चलो, आंसर लिखते चलो, राइट, और जहां कुछ समझाने वाला होगा वो हम समझा देंगे। व्हाट आर फॉसिल्स, लिखो जल्दी से, वेरी गुड, व्हाट आर फॉसिल्स, और मेरे पास स्टूडेंट ने आ जाना है अभिजोत, 8B, 8B अभिजोत, आ जाओ, फॉसिल्स क्या चीज है? फॉसिल्स आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, हाँ जी बोलो, पहले देखें आपकी आवाज आती है कि नहीं, देखें जरा, बोलो जोर से, बोलो जरा, गर्ल्स यू स्पीक, यस हाँ, बोलो जरा, अब व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या चीज है? हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, बट व्हाट आर फॉसिल्स? हाँ जी, एनी स्टूडेंट, एनी अदर, आप खड़े रहना बेटा यहाँ पे, द गर्ल्स सिटिंग नियर माई, कैन यू टेल मी व्हाट आर फॉसिल्स, 8B, ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम 8E, हाँ जी बेटा आप आ जाओ, आप खड़े रहना बेटा और सुनना बाकी की, आ जाओ जल्दी से, आओ भाग कर, जोर से बोलो, पहले हेलो करो बेटा ताकि देखें आवाज आ रही है, हाँ बोलो आप, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे, 8E,
जिस बच्चे को आता है उसकी आवाज नहीं आ रही। अभी आपके कुछ किया तो था आपने माइक में जिससे मुझे थोड़ी सी आवाज आई थी इयर्स की में से। चलिए नो प्रॉब्लम, बैठो आप, मैं बताती हूँ। फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जमीन में दब जाता है, तो आपने देखा है डायनासोर्स की कुछ बोन्स मिली है ना, कुछ की और ह्यूमंस की, जो प्रीवियस ह्यूमंस हुआ करते थे उनकी बोन्स मिल जाती है। व्हाट आर दोज? ऑल दोज आर फॉसिल्स। ठीक है, सो राइट डाउन, फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स। डेड प्रिजर्व्ड रिमेन्स। ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लिविंग इन पास्ट। डेड प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लिविंग इन पास्ट। दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। ठीक है जी, इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉसिल्स? इज देयर एनी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉसिल्स? एट सी मनजोत सिंह, एट्थ सी हाँ जी बेटा मंजोत, वेयर इज मंजोत? हाँ जी बेटा बोलो जरा। इकोनॉमिक, क्या इन फॉसिल्स की, मिल गए हमने देखा कि हाँ ये रहते थे किसी टाइम, ठीक है ये तो पता चल गया, क्या उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है? बोलो यस क्या है इकोनॉमिक वैल्यू बेटा, क्या वैल्यू है? हाँ किसमें चेंज हो जाते हैं फॉसिल्स, क्या बनाते हैं बेटा? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट वी से कि फॉसिल्स आफ्टर मेनी इयर्स After hundreds of years, change into fossil fuels such as coal, petroleum, etc. Is it done? तो एट्थ डी ने अभी ज्वाइन किया बेटा, अभी हमने शुरू ही किया। व्हाट आर फॉसिल्स? डेड प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स। इज देयर एनी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉसिल्स? यस, दे चेंज इनटू, दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यस, राइट डाउन, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस? व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच फॉसिल्स चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स? व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच फॉसिल्स चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स? एट्थ ई गुरप्रीत, एट्थ ई गुरप्रीत आ जा बेटा। हाँ जी
टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस, डू यू नो यू और यू डोंट नो. हाई प्रेशर, प्रेशर और वन इज हाई प्रेशर, अनदर इज यस. एनीबडी आप बैठो बेटा. एनीबडी एल्स? यस देर इज वन स्टूडेंट इन 8th जी. हाँ जी बेटा आप बोलो. मैम फॉसिल्स नीड्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टू यस चेंज इट फॉसिल फ्यूल्स. वेरी गुड वेरी गुड. मेन थ्री कंडीशंस है. वन इज हाई टेम्परेचर, राइट डाउन. हाई टेम्परेचर, देन हाई प्रेशर, एंड देन थर्ड इज एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशंस मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लेस ऑफ ऑक्सीजन. लेस ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन, थ्री मेन कंडीशंस. बिकॉज द पेट्रोलियम फाउंड इन डीप सी वॉटर्स, देयर ऑल्सो देयर इज लेस ऑक्सीजन. इन बॉगी एरियाज जहां पानी भरा रहता है तो सॉइल में ऑक्सीजन वैसे ही नहीं हो. Why only plants can form coal and not animals? Write down. First आ जाता है, first write down. Which plants फॉर्म कोल बाय कार्बोनाइजेशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन आएगा व्हाई ओनली प्लांट्स, व्हाई नॉट एनिमल्स फॉर्म कोल. तो फर्स्ट टेल मी विच प्लांट्स. हाँ जी जल्दी से 8th जी में से गुरशांत, 8th जी गुरशांत, विच प्लांट्स. लेट मी गिव यू फोर ऑप्शंस. एल्गी, फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉन्स एंड डीहेमोसिस. आउट ऑफ दीज फोर विच प्लांट्स फॉर्म द कोल. हां जी बेटा गुरशांत, 8th जी बोलो जरा, माइक ऑन करो मुझे. एल्गी, एल्गी हाँ. ओशंस में थोड़ी एल्गी तो पानी में होती है, होती तो है, बट वो तो रिवर्स में है, रिवर्स में थोड़ी कोल बनता है. कहाँ बनता है कोल? कोल तो बॉगी एरियाज में बनता है, दलदल वाले मार्शी एरियाज में बनता है. लिखो जरा ये. नहीं है, बैठो बेटा, सुनना है ध्यान से. तो पहली बार तो कोल जो है इज फॉर्म्ड इन मार्शी एरियाज. वट आर मार्शी एरिया? दलदल है जहां पे पानी भरा हुआ है. ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चंस आने हैं. मार्शी एरियाज आपको पता होना चाहिए, दलदल वाले एरियाज. वेस्ट बंगाल में जाओगे वहां पर आपको मिलेंगे ये दलदल.
ठीक है, एंड कैन एनीबडी टेल मी, यस, कौन से प्लांट्स जो है, यू हैव फिनिश्ड दिस इन योर क्लास एज वेल एज हियर, चैप्टर पढ़ा होगा, यस, एनीबडी, वॉलंट्री, कम ऑन, सो कौन से प्लांट्स है बेटा, फोन्स है, ये आपके घरों में भी लगी होती है, ठीक है, आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आप देखोगे कि जिनके लीव्स बड़े बड़े हैं और इस तरह से जो है, इस तरह से आपको दिख जाएंगे, ठीक है, आपके स्कूल में भी जरूर लगे हुए होंगे किसी गमले में, सो द फॉन्स जो है, फॉन्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द इमेज ऑफ फॉन्स, तो फॉन्स आर द प्लांट्स विच डाई, गेट बरीड इन द बॉगी सॉइल एंड आफ्टर हंड्रेड ऑफ ईयर्स दे फॉर्म यू नो कोल, नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस, व्हाई ओनली प्लांट्स कैन फॉर्म कोल एंड नॉट एनिमल्स, तो राइट डाउन, दिस इज बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ, राइट डाउन, दिस इज बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज डिफरेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज डिफरेंट, सेकेंड पॉइंट, इट इज प्लांट्स ओनली, विच हैव लिग्निन्स एंड सेलुलोज, लिग्निन्स एंड सेलुलोज विच हेल्प्स इन कोल फॉर्मेशन, एनिमल्स लैक लिग्निन एंड सेलुलोज, ये दोनों इसके सेल वॉल का, आपको पता है प्लांट्स में सेल वॉल होती है, नो सेल वॉल इन एनिमल्स, दैट्स व्हाई ओनली प्लांट्स फॉर्म कोल, वेयर एज एनिमल्स डीकॉम्पोजिशन फॉर्म द ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लांट्स ग्रोइंग इन बॉगी एरियाज फॉर्म कोल, व्हाई ओनली प्लांट्स, व्हाई प्लांट्स ग्रोइंग इन, राइट डाउन, व्हाई प्लांट्स ग्रोइंग इन बॉगी एरियाज फॉर्म को, तो बेटा एज आई हैव टोल्ड यू, बॉगी मीन्स, व्हाट इज बॉगी, बॉगी मीन्स मार्शी एरियाज, बॉगी मीन्स मार्शी एरियाज, सो वाई, बिकॉज इट हैज एनारोबिक कंडीशंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इट हैज, राइट डाउन आंसर, बिकॉज इट हैज एनारोबिक कंडीशंस फॉर कार्बोनाइजेशन, फॉर कार्बोनाइजेशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज, ये सबको पता होगा, ये मुझे बताओ जल्दी से, वॉलंटरी क्वेश्चन है, कम फॉरवर्ड। एट्थ एफ में मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट्स दो बैठी है गर्ल्स, आ जाओ आगे आ जाओ फटाफट, एनी गर्ल कम फॉरवर्ड। यस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल. इनटू कोल, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, ये भी एक है। और एक और लिख लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इंटू कार्बन कंपाउंड्स थ्रू हीटिंग। ठीक है जी, दैट इज कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, विच टाइप ऑफ कोल हैज हाइएस्ट कार्बन कॉन्टेंट, विच टाइप ऑफ कोल हैज हाइएस्ट कार्बन कॉन्टेंट एंड वाई। कार्बोनाइजेशन आपकी बुक में वैसे दिया हुआ है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हीटिंग की जगह लिख लेना हाई टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन कंटेंट और कोल, ये थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक मेरा मतलब मॉडिफाई कर लो, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन कंटेंट और कोल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हीटिंग मत लिखो, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस, एवरीबडी, इन एब्सेंस ऑफ एयर। यस, विच टाइप ऑफ कोल, एट्थ ए, एट्थ ए में बेटा राइट साइड में जो गर्ल्स बैठी है ना, गर्ल्स में लास्ट बेंच पे जो बैठी है, आ जाओ जल्दी से, विच टाइप ऑफ कोल हैज हाई कार्बन कॉन्टेंट। हाँ जी, कौन सा बेटा, पहले बताओ मुझे टाइप्स ऑफ कोल बता दो फटाफट से, जोर से ऊपर रखो माइक बेटा, पहले तो आवाज आ रही थी, अब क्या हुआ। कोल, कोल के कौन कौन से टाइप्स है, फर्स्ट इज कोक, कोक, नहीं है बेटा, कोक तो कोल से ही बनती है, उससे पहले वाले, सबसे पहले है पीट, है ना, सबसे पहले आ जाता है पीट, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बताओ दो और फॉर्म है, यस, मैम बिटुमिनियस बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट. यस एंड एंथ्रासाइट। इन इन फोर फॉर्म्स में से Which has highest carbon content? अच्छा मुझे बेटे ये बताओ कि as the wood gets buried, है ना, धीरे 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 धीरे, पहले जो ऊपर प्लांट्स गिरते हैं, थोड़ी सी डीकम्पोजिशन हुई तो पीट बना, फिर उसके बाद लिग्नाइट बना, फिर जो है बिटुमन बना, फिर लास्ट में एंथ्रासाइट बना, तो क्या होता है जैसे जैसे नीचे दबते जाते हैं कार्बन कंटेंट बढ़ता है कि कम होता है?
चलो आप बैठो, आप बैठो। बढ़ता पड़ता है, इट इंक्रीजेस एज द कोल गेट्स मॉडिफाइड, इट गेट्स बरीड इन द सॉइल मोर, द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस एंड वाटर कंटेंट डिक्रीजेस। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मेनली। तो वाटर इज लॉस्ट, और जब वाटर लूज करता जाएगा, चीज जो है वो श्रिंक करती जाएगी, उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोल, आप यहाँ पे लिखो जरा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोल एज द टाइम पासिस, एज द टाइम पासिस देयर इज इंक्रीज इन, देयर इज इंक्रीज इन कार्बन कॉन्टेंट एंड डिक्रीज इन वॉटर कॉन्टेंट, इंक्रीज इन कार्बन कॉन्टेंट एंड डिक्रीज इन वॉटर कॉन्टेंट। तो एंथ्रासाइट, इट हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट एंड दस मैक्सिमम एनर्जी इन चारों में से। इट हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड पीट, इट हैज लोएस्ट कार्बन कंटेंट। पीट जो है लोएस्ट कार्बन कंटेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, वी डू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एट्थ बी, रोल नंबर 17, रोल नंबर 17, एट्थ बी। हाँ जी बेटा, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? मैम, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल एट वेरी हाई टेम्परेचर टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? कॉपी में से उसकी कॉपी छोड़ दो बेटा, कॉपी नहीं, कॉपी बंद कर दे, कॉपी बंद कर दे। क्या क्या, थोड़ा सा सोच के, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ, मैं बता दूंगी, नो प्रॉब्लम्स। बट कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिल, कोई एक बताओ। कोक मैम कोक, मिल जाता है, और कुछ याद है तो बोलो, जो इवेपोरेट, कोक तो सबसे नीचे बैठ गया, उसका कुछ नहीं हुआ है ना, जो ब्लैक विस्कस सा फ्लूइड हमें मिल जाता है, दैट इज कोक। उसके बाद जो इवेपोरेट होके क्या मिलता है, हाँ मैम कोल्ड कोल टार मिल जाता है एंड कोल गैस मिल जाती है, ठीक है ना। तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं, है ना, कौन कौन से मिलते हैं हमें, लिक्विड भी मिल रहा है हमें, सॉलिड भी मिल रहा है हमें, गैस भी मिल रही है, ठीक है। कौन सी, कोल गैस मिल जाती है, लिक्विड कोल टार एंड अमोनिकल लिक्विड मिल जाता है, और तीसरा हमें सॉलिड क्या मिल जाता है, नीचे कोक मिल जाता है, इज इट राइट, ठीक है। लिखो डिस्ट्रक्टिव, व्हाट इज डिस्ट्रक्ट, बैठो बैठो, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इट इज हीटिंग ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर, और कितना, तकरीबन इट इज 1000 डिग्री, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ बुक्स में 1200 तक दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसमें आग लग जाएगी और वो इवेपोरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो उसको, क्योंकि ये याद नहीं रहता है बच्चों को, सो अंडरलाइन करो ताकि याद रहे, ठीक है। एंड
इंपॉर्टेंट इज ये चार फॉर्म है कोल की. नेक्स्ट इज विच कोल, विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डू वी यूज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट? यस, एनी गेस? हाँ जी बेटा, एट्थ जी में राइट साइड में जो सेकंड बेंच पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेफ्ट स्टूडेंट कम फॉरवर्ड, जल्दी से आ जाओ, राइट साइड में है बेटा, अपने राइट पे देखो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाँ ऊपर करो, ऑन करो, पहले ऑन करो इसको माइक को, और सीधे होके माइक को पकड़ लो, कोई बात नहीं. आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे. यस मैम, हाँ जी, अब बताओ कौन सा कोल हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में? एंथ्रासाइट नहीं बेटा, एंथ्रासाइट बैठो बैठो बैठो. सो विच कोल वी यूज, आइदर लिग्नाइट और बिटुमिनस? आंसर इज लिग्नाइट और बिटुमिनस. ऐसा क्यों है? ये समझने वाली चीज है, लिखना चाहे मत, अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्या है बेटा. जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? दैट इज कोक, अमॉर्फस, ऐसे पाउडरी सी फॉर्म में कोक है, दैट इज 100% कार्बन. और जो एंथ्रासाइट है, पहली बात तो इट इज डिफिकल्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड, बहुत नीचे जमीन में होता है बेटा, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता. सेकेंड थिंग, इट इज 95% कार्बन. तो बेटा सिर्फ जब हम इसको हीट करेंगे, पहले तो बहुत महंगा सब कुछ है, इसको हीट करेंगे तो सिर्फ कोक मिलेगा, वो गैसेस वगैरह हमें मिलेंगी ही नहीं. और इसको हमने हीट क्यों करना है? इसमें तो पहले ही कार्बन इतना है, 95% कार्बन है, तो हमने इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी क्यों है ना. हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट? बट इसमें तो पहले ही प्योर है, इसको और क्या प्योर करेंगे. दूसरी चीज, इससे हमें बाकी के प्रोडक्ट्स भी बहुत कम कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं. एंड थर्ड थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड, सो नॉट एंथ्रासाइट. ये एक बॉक्स में लिख लो, एक्सट्रैक्टेड. इसकी एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है, इट इज 95% कार्बन, देयरफोर नो यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नो यूज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, तो विच कोल इज यूज्ड? That is lignite or bituminous coal is used in destructive distillation. और बेटा क्वेश्चन लिख लो, मैम ने आपको लिखवाया होगा कि ड्रॉ द, ये आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स में, लिखो जरा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड नेम द प्रोडक्ट्स.
and name the products obtained from destructive distillation. 3 मार्क्स में यहां तक आ सकता है, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. व्हाट आर द यूजेस? कोक के यूजेस बताओ, अमोनिकल लिकर के यूजेस बताइए, कोल गैस के यूजेस बताइए. व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? तो ये तो आपने घर जाके एक पूरे पेज पे डायग्राम सुंदर सा बनाना है, और टीचर ने डायग्राम उसमें देखते ही नहीं है. फिर टीचर जब दिख जाता है कि डायग्राम में इतना सुंदर बच्चे ने लिखा है, तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती. इज इट ओके? ठीक है, तो ये आज आपने करना है, एंड दिस विल कम. ये श्योर शॉर्ट है, लिख लो इंपॉर्टेंट करके एग्जाम क्वेश्चन. बाकी छोटे छोटे तो आने ही हैं, बाकी ये तो 3 मार्क्स में आना ही आना है. नेक्स्ट आ जाइए. व्हाट हैपन्स इफ द कोल इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? अगर कोल को आप जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? ये लिखो जरा एंड जस्ट हाँ जी बेटा, व्हाट विल हैपन? तो यहां पे आप लिखिए, कोल विल बर्न एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है ऑक्सीजन तो सपोर्ट्स फायर्स, इट सपोर्ट बर्निंग. द कोल विल बर्न एंड रिलीज वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा एंड ऐश विल रिमेन बिहाइंड. पीछे क्या रह जाएगी? ऐश रह जाएगी, राख रह जाएगी. यहां पे लिखो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसमें से आ सकता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. साथ में लिखो और इसको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करो. व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? यस, हु विल टेल मी? यस, देयर इज एट्थ ई में से एक ही स्टूडेंट का हाथ खड़ा है. आके जल्दी से बताओ, देखें आपकी आवाज आती है, पहले आई नहीं थी. एक तो आवाज की प्रॉब्लम है. आई एम सॉरी बेटा, ऑल्दो आपको आंसर्स आते हैं बट आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है. मैम, कैन आई गिव द आंसर? मैम, यस यस बोलो. मिथेन। मिथेन, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. 8th F में से मुझे आंसर आया है. बैठो बेटा, मिथेन इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. नेक्स्ट हम एक केस स्टडी कर लेते हैं बेटा. बना लो फटाफट से.
क्वेश्चन लिखो जल्दी से पहले. आइडेंटिफाई वाई, आइडेंटिफाई वाई. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ वाई, व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ वाई. है ना, यहाँ पे आपका कंडेंसेशन वाला तो है ही है. वट आर द टू यूजेस ऑफ वाई, एट वट टेम्परेचर द प्रोडक्ट वाई इज वेपोराइज, एट वट टेम्परेचर वाई इज वेपोराइज. एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ सी एन जी इज बेटर फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल. हाउ सी एन जी इज बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल. करो जल्दी से. हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? लेट मी आस्क. हाँ जी, गैरी फ्रॉम 8C. 8C गैरी, जल्दी से बेटा, टाइम भी हो गया आपका. 8C गैरी. सी सेक्शन में से एनीबडी फ्रॉम सी सेक्शन, जल्दी से आके बोलो. केरोसिन इट इज कैरोसिन. बिल्कुल ठीक है. कौन से टेम्परेचर पे? 170 डिग्री. यस, इट इज 170 और 200 के करीब है तकरीबन. यूजेस ऑफ कैरोसिन बता सकते हो आप? यू कैन टेल यूजेस ऑफ कैरोसिन. इट इज यूज एज ए फ्यूल, इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट है, हाउ इज सी एन जी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल. पहले तो फुल फॉर्म बताइए सीएनजी, जल्दी से बताइए जिसको आती है, क्विकली. हाँ यस, एट बी बोलो बेटा. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यस, इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं. इट इज क्लीनर फ्यूल, इट हैज मोर एनर्जी, इट इज क्लीनर फ्यूल, डज नॉट कॉज पोल्यूशन, डज नॉट कॉज पोल्यूशन. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज यूज्ड, व्हाट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या विच प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कह सकते हैं. विच प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज ओवर. मुझे पता है बेटा, 8D में बाकी तो बोले नहीं है, लास्ट में आइए, टाइम इज ओवर. विच प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स.
मैं ऑप्शंस देती हूँ, अब मुझे 8 सी में से लास्ट स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शंस में से बताएंगे, इज इट कोक, देन इज इट कोल गैस, अमोनिकल फ्लूइड या अमोनिकल लिकर, या फिर हम कह सकते हैं कोल टार, विच इज यूज्ड। यस बताओ, इधर स्क्रीन के कैमरे के सामने आके बेटा फिंगर से बता दो, 8th E में से, 1 2 3 4। हाँ कैमरे के सामने आओ। हाँ इट इज 1, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इट इज कोक। एंड विच इज यूज फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स, विच इज यूज फॉर, ये सबको पता है, मेटलिंग ऑफ रोड्स, रोड्स को कवर करने के लिए, कोलता। ठीक है जी, सो अगेन हम बात करते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने कर लिया है, कौन से प्रोडक्ट्स है, किस टेम्परेचर पे अलग होते हैं, यू हैव डन। इज इट ओके? ठीक है, अब नेक्स्ट वीक वैसे तो आपका लाइट का चैप्टर शुरू होगा, आर यू डन विद लाइट इन योर क्लासेस, यस और नो, स्टार्टेड लाइट और नॉट? अच्छा क्या कर रहे हो 8th A वाले, जल्दी जिसके पास माइक है मुझे बताओ, कौन से चैप्टर कर रहे हो साइंस में बेटा? मैम कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छा कोल एंड पेट्रोलियम, अभी आपने ये खत्म नहीं किया। ओके 8th B वाले भी अभी सभी कोल एंड पेट्रोलियम कर रहे हैं, उसके यस बाद लाइट शुरू करना आई हो, कहां तक क्लास में, कहां तक पहुंचे हो कोल एंड पेट्रोलियम में, कहां तक कर लिया बेटा आपने क्लास में? यहाँ पे तो हमने सारा कर ही लिया है। हाँ जी 8th B। हाँ बोलो, मैम क्वेश्चन कर एक्सरसाइज रही कर रहे है। हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, आई होप आज खत्म हो जाएगा, यस और नो? चलिए नो प्रॉब्लम, हम कोई बात नहीं, उसके बाद आपका लाइट ही शुरू होना है, और आई विल आस्क योर टीचर्स। ठीक है, तो हम जो है लाइट शुरू करेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि कोल एंड पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन आए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन आए, कर लोगे सभी लोग, यस और नो? जोर से बोलो बेटा, किसी की आवाज नहीं आ रही। 8th C, हाँ जी करोगे कि नहीं? यस ओके चलिए ठीक है, तो वी विल, और क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल सबको क्लियर है बेटा? क्योंकि बेटा अगले हफ्ते हमने कोल पेट्रोलियम एंड क्वाड्रिलेटरल्स, मे बी ऑन मंडे वी कैन हैव टेस्ट, टेस्ट ले ले मंडे को कोल एंड पेट्रोलियम का। यस ठीक है चलिए कोल एंड पेट्रोलियम करके आओ, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट टेस्ट ऑन मंडे। ठीक है जी, और ऐसे ही किसी दिन हम क्वाड्रिलेटरल्स का भी ले लेंगे, राइट? ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके बिल्कुल एकदम तैयार होने चाहिए, और हम इसका करते, ठीक है जी? चलिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद योर चैप्टर लाइट। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।